स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपिंग क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं कि अपने वीक सब्जेक्ट को आप अपनी ताकत कैसे बनाएं। देखिए दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दो बातें। देखिए पहली बात कि वीक सब्जेक्ट कैसे बन जाते हैं, आखिर आपका सब्जेक्ट वो वीक कैसे बनता है, ठीक है। दूसरा, वीक सब्जेक्ट को अपनी ताकत कैसे बनाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आप इस चीज को काफी अच्छे से समझेंगे। और अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को मेंशन करिएगा, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। चलते हैं दोस्तों अपने आज के टॉपिक पे। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि आप जो है आपका सब्जेक्ट क्यों वीक बन जाता है। देखिए सबसे पहले आपको ये लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे समझ से बाहर है, यानी आप पहले ही सोच लेते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए टफ है और ये मेरे लिए समझ से बाहर है, इसलिए वजह से आप उसको पढ़ते नहीं है, उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से धीमे धीमे आप देखते हैं वो सब्जेक्ट आपका क्या होता है, वीक होता जाता है। दूसरी बात, आप कहीं से मोटिवेशन, आप कुछ कहीं मोटिवेशन आपको मिला, मोटिवेशन लाइंस को आपने पढ़ा, उनको आपने इग्नोर कर दिया, पढ़ा दो मिनट आप मोटिवेट हुए फिर आपने वो काम स्टार्ट नहीं किया, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए, वो बेकार हो जाता है, ठीक है। एक तरह से डस्टबिन में चला जाता है वो आपके लिए, वो लाइंस उनको आप ध्यान नहीं रख पाते, उनको अपने काम में लगाते हैं, इस वजह से आपका आप खराब हो जाता है। दूसरा चीज, आप जो सोचते हैं ठीक है उसका आप सोचा हुआ काम अपना नहीं कर पाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखिए रिसोर्सेज आपके पास जितने होते हैं ठीक है, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, अदर रिसोर्सेज हैं, आप उनका इस्तेमाल सही तरीके से सही चीजों के लिए नहीं करते हैं। आप जो है यूट्यूब का इस्तेमाल अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने के लिए नहीं, फालतू की वीडियोस, इधर उधर की चीजें, गूगल पर भी आप इधर उधर फालतू चीजें सर्च करते हैं, ये नहीं कि आप जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि देखिए कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, तो मैं उसको मान सकता हूं, जो गांव में रह रहे हैं, कस्बों में रह रहे हैं, जहां अभी थोड़ी उतनी पहुंच नहीं है। हालांकि आज के समय में ऐसा कहना बेमानी है कि नेट की पहुंच बहुत लोगों तक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए बात अलग है, ठीक। आप इसको करिए कैसे, अब हम दूसरी बात करते हैं कि आप इसको तेज बनाइए कैसे। देखिए दोस्तों आप एक नया प्लान बनाइए, आप उस सब्जेक्ट में क्या हुआ आप क्या थे उसको भूल जाइए, एक नया प्लान बनाइए कि हम इस सब्जेक्ट में कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो प्लान ऐसा बनाइए जो आप उसको रेगुलर कर पाइए, ठीक है। आप जो काम रेगुलर करेंगे आप देखेंगे धीमे धीमे आपका वो चीज तेज हो जाएगा, ठीक है। आप दूसरी चीज, आप एक चीज देखे होंगे कमजोर बच्चों में और टॉपर्स में अंतर क्या होता है। देखिए टॉपर्स जो होते हैं वो कभी रिग्रेट नहीं करते हैं कि मुझे ये पढ़ना चाहिए था, मुझे ये पढ़ना चाहिए था, मैं ये पढ़ूंगा, मुझे इतना पढ़ना चाहिए था। जो फेल हो जाते हैं वो देखिए हमेशा रिग्रेट ही करते हैं, शायद मैं ये पढ़ लेता, शायद मुझे ये पढ़ना चाहिए था, ठीक। अब हम बात करते हैं जैसे कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स ले लेता हूँ, बहुत लोगों का मैथमेटिक्स नाम सुनते ही हाथ पैर फूल जाता है। उसका रीजन क्या है कि वो उसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, उनके माइंड में बना हुआ है कि ये सब्जेक्ट मेरा टफ है, ठीक। आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, और भी सब्जेक्ट आपका जैसे इंग्लिश है तो उसमें रिटन आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, ठीक। दूसरी बात, एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता हो कि आपको पहली बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा उसको ट्राई कीजिए, ये नहीं कि आप जो है उसको बंद कर दिए फिर आप उसको पढ़े नहीं, तो धीमे धीमे आप देखेंगे आपका वो इम्प्रूव होने की जगह और जो आपके लिए टफ हो जाएगा ये, ठीक। दूसरी चीज, आप इसको टाइम मत वेस्ट करिए, अगर आपको टाइम वेस्ट भी करना है तो आप किसी ऐसे चीज में लगाइए जिससे आपको प्रॉफिट हो, आप फालतू की चीजों में इधर उधर की चीजों में आप न रहिए, ठीक। दूसरी चीज देखिए, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि नेपोलियन ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, आपको मोटिवेट करने के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि परिचित ही सही राह पर जाते हैं, ठीक है, अनजाने पर जाते हैं वीर। परिचित लोग क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, परिचित जो कायर होते हैं वो जाने हुए रास्ते पे जाते हैं, लेकिन अनजाने लोग जो वीर होते हैं वो क्या होते हैं, अनजाने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तो आप एकदम सब्जेक्ट पर आप हावी हो जाइए, अपने ऊपर सब्जेक्ट को हावी मत होने दीजिए, आप सब्जेक्ट पर हावी हो जाइए। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, रेगुलर पढ़िए, कॉन्स्टेंटली पढ़िए, धीमे धीमे पढ़िए, ठीक, बार बार ट्राई कीजिए, और फालतू के इधर उधर के चक्कर में आप मत रहिए, ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करिए, ठीक है, रिसोर्स को लीजिए, उसको पढ़िए, पूरी आत्मीयता से पढ़िए, आप देखेंगे धीमे धीमे आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।